नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षद मिश्रा और आज हम लोग बात करेंगे एक फेमस कथावाचक, एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक फेमस यूट्यूबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जया किशोरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही जया किशोरी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक हैं, जो कि कथा करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, जो अपने लग्जरी शौक के लिए जानी जाती हैं, जो अपने सोशल मीडिया के पोस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती हैं, अपने लग्जरी ब्रांड्स को जो है दिखाने के लिए या उनको जो है यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है जिसके लिए। आपको बता दें, हम जया किशोरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जया किशोरी हाल ही में एयरपोर्ट पे जो है स्पॉट हुई है, तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही लग्जरी जो है हैंडबैग कैरी किया हुआ है, उसके साथ ट्रॉली बैग भी है। आपको बता दें, जया किशोरी के हाथ में जो बैग है, लोगों का कहना है कि ये बैग जो है गाय की चमड़ी से बनता है, लेदर बैग है। लेकिन इस पे अभी जया किशोरी ने जो अपना बयान दिया है, वो बयान हम आपको बताएंगे और ये बैग की पूरा कहानी क्या है ये हम आपको समझाएंगे। जया किशोरी कौन है, जया किशोरी अपने आप को क्या कहती हैं, जया किशोरी खुद को अपने आप में क्या मानती हैं, ये सब हम आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। आपको बता दें, मेरा नाम है हर्षद मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्रिक। देखते रहिए न्यूज़ क्रिक, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, शेयर करिए। और आपको बताते हैं कि कौन है जया किशोरी, जया किशोरी अपने आप को खुद क्या मानती हैं, लोग जया किशोरी को मानते हैं क्या मानते हैं, लोग जया किशोरी को किस रूप में देखते हैं और किस रूप में देखना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जया किशोरी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचिका हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो अविवाहित हैं, लेकिन उनका कहना है कि मैं विवाह करूँगी, जैसे नॉर्मल लड़कियाँ होती हैं ठीक मैं भी उसी प्रकार से हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन मैं त्यागी नहीं हूँ, मैंने संन्यास नहीं लिया है, मैं गृहस्थ जीवन से संन्यास नहीं लिया है, मैं गृहस्थ जीवन में ही रहना चाहती हूँ, मैं भी एक नॉर्मल लड़की ही हूँ, बट मैं थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ में हूँ, मैं भक्ति के भाव में रहती हूँ, लेकिन मैं त्यागी नहीं हूँ, मैं जो है पुजारन नहीं हूँ, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ये मैं जो ये शब्द आपको बता रहा हूँ, ये खुद जया किशोरी के हैं। जया किशोरी ने जो कई बार कई सारे इंटरव्यू में ये बात कही है, और मैं जो आपको ये बात बता रहा हूँ, ये जया किशोरी ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कही थी कि जो भी लेटेस्ट फ़ोन आईफोन का आता है, मुझे वो लेने का शौक रहता है और मैं वो लेती भी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी से नहीं कहती हूँ कि आप मोह माया से दूर रहिए, आप जो है पैसे मत कमाइए, आप त्यागी बन जाइए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कदापि किसी से नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप पैसा कमाइए, आप अच्छे काम कीजिए और पैसा अच्छे तरीके से कमाइए, अच्छे कामों में पैसा को लगाइए, गरीबों में पैसे को जो है गरीबों को खाना खिलाइए, गरीबों को दान करिए, मैं ये कहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि आप जो है मोह माया से त्याग कर दीजिए, क्योंकि मैंने खुद मोह माया को नहीं त्यागा हुआ है, मैं खुद मोह माया के साथ जी रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि भारत के सभी युवा जो है पैसे कमाएँ, अच्छे ढंग से पैसे कमाएँ, गरीबों की मदद करें और जो है गरीबों को खाना खिलाएँ, अच्छे अच्छे काम करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पाकिस्तान के जो है तरीके से हमारा भी देश कंगाल हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि हमारा देश और तरक्की करे और हमारे देश के युवा काफ़ी ज़्यादा जो है भक्ति भाव में भी रहें और जो है पैसे भी कमाएं। उन्होंने ये साफ साफ उनका मतलब कहने का ये था कि हमारे देश का युवा जो है पैसे ज़रूर कमाए, वो त्यागी बनने की राह पर मत जाए, वो मोह माया का त्याग ना करे, ऐसा उन्होंने कहा। उनका कहना यह है कि जैसे मैंने जो है मोह माया के साथ रह के अपना जो है भक्ति भाव का मार्ग अपनाया हुआ है, ऐसे ही ठीक और भी हमारे भाई या बहन और भी लोग जो है भक्ति भाव का त्याग ना करके, भक्ति भाव के साथ रह करके, मोह माया का त्याग ना करके कि मोह माया के साथ रह करके भक्ति भजन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जया किशोरी आपको बता दें एक कथा का करने का करोड़ों करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। अब मैं एग्जैक्ट फीस तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने अपनी एग्जैक्ट फीस अभी तक किसी को नहीं बताई हुई है। उनके जब आप उनको जो है बुकिंग के लिए कांटेक्ट करेंगे उनके मैनेजर से, तो वो आपको उस कंडीशन के हिसाब से आपको जो है अमाउंट बताया जाएगा कि इतनी बुकिंग में
जया किशोरी जी कथा करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जया किशोरी ने अभी तक शादी भी नहीं की है। जया किशोरी अपने आप को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानती हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर मानती हैं। और रह गई बात जो जया किशोरी के प्रेजेंट टाइम में ट्रेंडिंग में होने का कारण है, उनका लग्जरी बैग। उन्होंने कहा ये बैग मैंने कस्टमाइज करके बनवाया है, ये बैग गाय की चमड़ी का नहीं है बल्कि ये बैग दूसरे किसी चीज़ का बना हुआ है, ये मैंने खुद कस्टमाइज करके बनवाया है और मैंने इस पर खुद जया लिखवाया है। तो ये झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर ना फैलाई जाएं कि जया किशोरी गाय की बनी हुई चर्बी से जो है बैग यूज़ करती हैं, तो ये कदापि गलत है। और इस प्रकार की झूठी अफवाहें मत फैलाई जाएं। मैं जो बैग यूज़ करती हूँ वो रेक्सीन का बना हुआ है, वो गाय की चमड़ी का नहीं बना हुआ है और मैंने ये बैग खुद से कस्टमाइज करके बनवाया है। वेल, आप लोगों का ये क्या टेक है इस पे कि जया किशोरी ठीक कह रही हैं या जया किशोरी गलत कह रही हैं? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए। वेल, जया किशोरी ने एक बात और कही, उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में अगर कोई भी जो है पुरुष या स्त्री किसी भी जो है प्रोफेशन को छोड़कर या किसी भी कारणवश जो है कथा में जो है रुचि लेता है या कथावाचक हो जाता है, कथा जो है हमारे ग्रंथों का अध्ययन करके जो है कथावाचक के पद पर बैठ के जो है कथा करता है, तो हमारे देश के जितने भी जो लोग हैं जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, अपनी आस्था रखते हैं, वो उन लोगों के लिए एक भगवान समान हो जाता है। तो अगर वो लोग जो है आधुनिकता से जुड़ते हैं तो उनको लग रहा है कि हमारे भगवान का अपमान हो रहा है या ऐसा कुछ है। तो उन्होंने ये साफ कहा कि आप उस व्यक्ति के विचारों को लीजिए, उस व्यक्ति की बातों को सुनिए, उस व्यक्ति की बातों पर अमल कीजिए, लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व पे टिप्पणी मत करिए। उस व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व पे आप कोई भी टिप्पणी मत करिए और उसके व्यक्तिगत व्यक्तित्व को मत अपनाइए। आप उसकी जो उस समय की, क्योंकि हर आदमी के दो पहलू होते हैं, तो आप जो उस समय का जो है वो कहना चाह रहा है, जो वचन वो बता रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, आप उस पर गौर करिए, उस पर जो है बात करिए, वो आप अच्छे वाक्य लीजिए, लेकिन उसके जो है पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उस पर मत जाइए। तो ये जया किशोरी के बारे में कुछ जानकारी थी। वेल, आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। राम राम।